सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज अगेन मेरा ऑफिस का दिन है। कल का व्लॉग आपने देखा होगा। सुबह सुबह उठ के मैं कितना बज रहा है, 9:15 बज रहा है। मतलब मैं 8 बजे से मैं मशीन लेके बैठी हूँ। मतलब नहावा तो मैं पहले ही थी। सुबह सुबह के काम कुछ करने नहीं है। किचन के काम आजकल मम्मी और मनीष के भरोसे हैं 3-4 दिन, तो वही सब चल रहा है। बाकी मैं जो है, फिर मैंने कहा सुबह सुबह क्या करूँ। जिम भी मैं अवॉइड करती हूँ 3-4 डेज़ के लिए। मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग 2-3 डेज़ के लिए तो करती हूँ, बाकी 4th डे से जाना शुरू कर देती हूँ। खाने का फिर मम्मी अभी मंदिर गए हैं तो थोड़ा सब्जी वब्जी काट गए हैं। अगर बनाने की होगी उनकी बस की तो ठीक है, अदरवाइज़ कल की तरह ही मैं बाहर खा लूँगी। तो अभी जो है मैं मशीन लेके बैठी हुई थी। कुछ कपड़े थे जिनकी सिलाई निकली हुई थी, वो काम वीकेंड्स में हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा चल अभी टाइम है तो मैं लेके बैठ जाती हूँ। चीकू भी अभी सो रहा है, अब बस ये लास्ट कुछ 1-2 कपड़े बचे हैं उसको कर आके और फिर मैं अपना काम रख दूंगी। बीच में मम्मी ने लहसुन दे दिया कि लहसुन छील के रख देना, मैं आती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, लहसुन छील देती हूँ, अभी जस्ट चाय वाय पी। चीकू, चीकू से हाय। गुड्डू ऐसे कर दो। अभी बैड वगैरह भी नहीं समेटा, अभी जस्ट उठाई है। तो उठ के जो है फिर सुसु किया, चलो सुसु करके आएंगे, चलो। तो बस फिर ये समेट देंगे। तो सिलाई वगैरह का काम फिनिश करके मैंने कपड़े चेंज किए और फिर अपना ऑफिस के लिए रेडी होना शुरू हुआ। टाइम था आज अच्छे से, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अच्छे से आराम से तैयार होती हूँ। डेली ऐसा होता है, भागती से तैयार होती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे फिर मनीष ने जो है ब्रेड एंड बटर बनाए थे पीनट बटर के साथ में, तो वो ला के दिया। मैंने कहा साइड में रख दो, अभी मैं पहले पानी पीऊँगी आराम से, तब जाके मैंने कहा मैं खाऊँगी। इतनी देर से मैं बैठी थी काम लेके ना सुबह से, तो बड़ी ऐसा हो गया था कि बैठे बैठे ना। तो फिर अब तैयार हो रही हूँ, वही लाइट सा मेकअप डेली वाला, और कुछ नहीं करती। तो वही होता है कि ना पहुँचते ऑफिस इतना पसीना हो जाता है कि देखना आप आगे ना, कि ऐसा हो जाता है कि पसीना पहुँचने की ज़रूरत पड़ती है एसी में बैठ के भी, इतना भयंकर हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हुई, अपना पोनी बनाई, जो कि मेरी फेवरेट हेयर स्टाइल हो गई है पोनी और जूड़ा इतनी गर्मी में। चीकू साथ में मेरे साथ ना लगा रहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ करने, और फिर अपने जब तक ये बॉटल का दूध फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक लेता ही रहता है। फिर मैंने शांति से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया। एक पीनट बटर मैं लेती हूँ ब्रेड के साथ में, और यहाँ पे फिर हम दोनों निकल गए ऑफिस के लिए। धूप होती है, बाइक पे जाने का मन नहीं करता। मनीष कहता है पूरा कवर करके चला करो ना तुम, पर मैंने कहा यार पूरा बाल बिगड़ जाते हैं, फेस बिगड़ जाता है, इसलिए कहते हैं तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहोगी कि मेरे को धूप से ऐसे हो गया। मैंने कहा मैं ही लापरवाही कर जाती हूँ रे यार। तो फिर जो है, फिर मैं पहुंच गई थी मेट्रो स्टेशन। आज ना एक बात बताती हूँ, मैं दूसरे वाले मेट्रो स्टेशन गई। एक्चुअली ना पुराना जिस पर हम जाते थे रेलवे फाटक पे होके, तो वो उस वाले पे ना बड़े गड्ढे आते हैं। तो मनीष कहते हैं यार गाड़ी के शॉकर ही खराब होने लग गए यहाँ पे ना। तो फिर हम चलो वो ये थोड़ा सा हल्का सा दूर पड़ता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देन ऑल्सो थोड़ा दूर पड़ता ही है। तो फिर हम इस वाले से आए, और इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है ना, कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कभी कभी तो मैं ना। तो फिर अब ऐसे ही है कि हम इसी से अब आया जाया करेंगे, अब हमने डिसाइड किया है। तो चलो जी फिर से धूप में निकलते हैं। हम पहुंच गए ऑफिस वाले मेट्रो स्टेशन। धूप की वजह से मैं छाता लेके जाती हूँ, या तो बारिश में काम हो जाता है या फिर धूप में तो आता ही है। पहुंच गए हम ऑफिस पहुँचते ये देखो कितना पसीना हो जाता है। ड्रॉअर में मैंने टिशू देखा पर टिशू मिला ही नहीं मेरे को। फिर जाते ही तो आराम से पानी पिया मैंने बैठ के, तब जाके मैंने कहा ना अब मैं लैपटॉप ओपन करती हूँ, थोड़ा सा ठंडाई के लिए मैंने हवा उड़ाई पूरा ना एसी में बैठ के। मैंने कहा कोई देखेगा तो हंसेगा, पर ठीक है। फिर ना मैं कैफेटेरिया में गई और वहाँ पे ये सब राजमा और ये सब बॉईल करके रखते हैं, राजमा चना, उसी में मैंने खीरा टमाटर मिला के और सैलड बना के अच्छे से चाट मसाला मिला के खा लिया। इसके बाद में लंच हो गया था थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट के, काम करने में पता ही नहीं चला। और फिर मैं आ गई थी वॉक करने। ये मैं वॉक कर रही हूँ, ये भी दूसरी जगह, क्योंकि जहाँ पहले वॉक करते थे ना वो फील्ड जैसा एरिया, तो वहाँ पे ना पूरे पेड़ काट दिए, तो एकदम धूप हो गई है। तो पता नहीं क्या उनको पड़ा कि पेड़ ही काट दिए वहाँ के, पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पे कोई घूमने की जगह नहीं, खाली ग्राउंड है और वो भी इतनी धूप के साथ में, तो वहीं घूमना पड़ता है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर दूसरी जगह हमने चूज़ करी ये वाली मेट्रो स्टेशन। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, बारिश वाला नहीं हो रहा है, मतलब बारिश आने जैसा तो नहीं हो रहा है, बट मौसम जो है ठंडा बड़ा हो रहा है और एकदम धूप नहीं है। बहुत अच्छा सा मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है, और
और पहुँचते हैं घर 5:30 के अप्रॉक्स, कुछ हो रहा है। तो मेट्रो भी आज पहुंचते ही आ गई थी। बहुत कोइंसिडेंटली होता है कि मैं पहुंचूं और मेट्रो आ जाए। इस रूट पे ना 2 मेट्रो चलती है एक्चुअली। एक तो मतलब वैसे बीच में ही स्टॉपेज है तो वहां तक चलती है, फिर एक मेरे डेस्टिनेशन तक चलती है लास्ट ना, तो फिर इसलिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे आने में। तो मेट्रो से पहुंची मैं फिर से। ये सुबह जब बताया था कि डिफरेंट मेट्रो स्टेशन पे जाने लगी हूं मैं, अभी इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है, आज आते टाइम तो ना मैं कंफ्यूज ही हो गई भयंकर वाली ना। तो क्या हुआ कि मनीष जो है रोड के इस साइड खड़े हुए थे और मैं उस साइड जाके उतर गई। मतलब पूरा रोड क्रॉस नहीं किया, बट बीच में एक और वहां पे उतरने की जगह है, जैसे ये मैं यहाँ जस्ट राइट ले लूंगी तो मैं यहीं से ही मुड़ गई और जाना इधर ही था, बट मुझे पूरा दूसरे वाले गेट से जाना था, मतलब गेट नंबर 1 से जाना था और मैं इधर आ गई। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैसे जाना पड़ेगा। फिर मुझे फाइनली याद आया कि अरे यार ये वो वाला रास्ता है, तो रोड क्रॉस करके जाना पड़ा और मनीष बेचारे उस वाले गेट पर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। फिर मैं पूरा रोड क्रॉस करके इतना उनके पास पहुंची। अभी दिखेंगे आपको कि वो कहाँ खड़े हुए हैं और मैं कहाँ से आ रही हूँ। तो ऐसे ही होता है कि वैसे मुझे पता है जाते हैं उससे, इस वाले मेट्रो स्टेशन से, बट ऐसा होता है ना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो इस वाले गेट से आना था मुझे और ये देखो वेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम बाइक पे बैठे, दिन भर का हमारा ये डिस्कस होता है, आज चीकू ने ये किया, आज चीकू ने वो किया, चीकू रो रहा था, ये कर रहा था, तुम्हें याद कर रहा था। तो आज इन्होंने मेरे को यही बताया कि आज तुम्हें बड़ा याद कर रहा था, वो गेट के पास जाके माँ माँ कर रहा था। रास्ते में भैया नींबू लिए क्योंकि दाल बनानी थी, तो भाई क्या कहता है इतना महंगा, मेन रोड पे जो शॉप्स होती है ना एक्स्ट्रा ही महंगी होती है भाई। मैंने कहा और 10 रुपये में ये 2 छोटे छोटे नींबू दिए मेरे को, कहता मैडम बड़े मत लेना छोटे छोटे लेना। और फिर मैंने कहा मैंने कहा सस्ते ही हो रहे हैं नींबू तो मेरे को कहता है कि आप ला के दे दो मैडम। इतना रूड हो जाते हैं ये लोग ना। पापा तो कह रहे थे तेको याद आ रही थी मम्मा की, आ नहीं रहा मम्मा के पास, टीवी की याद आ रही है, अभी देख लो। हाँ मम्मा तो इधर है, वो उधर देख के क्या बोल रहा है। फिर ये देखो बुक्स पढ़ी आपकी, ये पेज फाड़ दिया। हाँ बिस्किट खा रहे मेरे लड्डू मम्मा। आप पापा तो कह रहे थे कि मम्मा याद कर रहा था वो मेरे को है जी को। ओए यहाँ पे आते ही थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मनीष ने चाय बना के दे दी और फिर मुझे ना थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। मैंने मनीष को बोला कहते कि क्या लाऊं, फिर ये मुरमुरे से रखे हुए थे हमारे पास, क्या बोलते हैं इनको, झालमुरी बोलते हैं पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ये लाए। और फिर मेरे को ये भी इतना तीखा लग रहा था, मनीष कहते तुम कितनी नौटंकी करती हो यार मतलब ऐसा कि कभी तो तीखा लगता तो मैं कभी नहीं लगता। और मैं चीकू को लेके गई, देखो गाड़ी के पास अपने आप जाके खड़ा हो जाता है कि गाड़ी से चलेंगे, पहचानता भी है। यहाँ पे 3-4 गाड़ियां खड़ी होती है पर अपने आप जाके और उस हैंडल को पकड़ पकड़ के ऐसे करता होता है कि मम्मा चलो चलो चलो। मैंने कहा नहीं बेटा घूमने आए, तो बस इसको इधर उधर घुमाया। आज बच्चे नहीं थे क्योंकि जस्ट पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी तो शायद इस वजह से सारे बच्चे अंदर चले गए थे। ये तो कहीं स्कूल से आ रहे थे 2 बच्चे, ये जिसके साथ डेली खेलते हैं वो थे नहीं आज पूरी गली में, तो बस ये इधर उधर थोड़ा बहुत इधर से खेला और फिर मैं वापस इसको घर ले आई। थोड़ी देर में ज्यादा देर नहीं खिलाया क्योंकि ये स्टेयर्स वगैरह सब कुछ गीली हो रही थी, मैंने कहा यहाँ पे फिसल विसल जाएगा, तो दैट्स व्हाई। बाकी बस इसका यही एक एंजॉयमेंट टाइम होता है कि बाहर जाके खेल पाए, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम मैं निकाल लूँ इसके लिए ना ऑफिस से आके। 1 2 3 हाँ 5 और 6 जोर से बोला करो, 6 मुंह में ही रह जाता है आपके। 7 हाँ 9 10 वाओ क्लैपिंग कर दो इतना अच्छा किया भाई। आते ही फिर मैंने ऑफिस वाले कपड़े चेंज किए, फेस वगैरह धोया, जो भी एलोवेरा जेल लगाती हूँ एक्चुअली मैं शाम के टाइम ना और रात के टाइम पे सीरम, तो पूरा जेल वेल लगा के मैंने सोचा खाने वाने का काम है नहीं तो मैं अपनी अलमीरा ही सेट कर लेती हूँ। थोड़ा ये सुबह वाले सिले हुए कपड़े ऐसे ही डाल के चली गई थी मैं, तो फिर बस पूरी अलमीरा सेट करने का सोचा मैंने और कुछ कुछ हो भी गई है इस टाइम तक। और इसने मेरे अलमीरा में जो भी पेपर बिछाया था पूरा फाड़ के फेंक दिया। बीच में ही मनीष कहते बाद में कर लेना यार तुम्हारा काम, पहले चलो डिनर कर लेते हैं। डिनर किया और उधर देखा तो कमरे में इन्होंने देखो ये पूरा पानी का कुल्ला उल्ला करके ना पूरे अपने कपड़े गीले कर लिए, इसने पूरे कपड़े बीच में ही चेंज करने पड़े, ऐसे ही करती है मोस्टली ना। खाने में क्या हुआ बेटा,
खाने में आज बनी थी बेसन की मुंगड़ी। ये जो बचा हुआ था, मनीष बोले कि पहले तुम डिनर कर लो उसके बाद में क्या चाहिए, क्या चाहिए, एकदम एक तो पानी में भिगोया था तो कुछ पता है क्या। आ जाऊं, क्या चाहिए, ये चाहिए, ये फिर ये चाहिए, डॉल चाहिए, फिर क्या चाहिए ना, तो फिर क्या चाहिए, ये बुक्स चाहिए, बुक्स ये चाहिए क्या, हाँ आ जाओ टी शर्ट लाती हूँ आपकी। तो फाइनली मेरी अलमीरा सेट हो गई, सारा सब कुछ जमा दिया है, अब बस ये नीचे कुछ साड़ी रखी हुई एक दो, वो मुझे ऊपर वाले सेक्शन में रखनी है, फिर हम जा रहे थे घूमने। और ये चीकू जो है ना, बस ये अपनी बुक्स के साथ ही बिजी रहता है दिन भर, बुक्स या फिर ये ब्लॉग्स, ऐसे ही कुछ इनके साथ बिजी रहता है, बहुत अच्छा काम हो गया है। हम लोग आ गए थे घूमने, ये गाय वाय की रोटी जो डेली लेके आते हैं वो सब लेके आए हैं, अभी जस्ट घूम के आए हैं, थोड़ी देर बातें बातें करी, काफ़ी डिस्कशन चल रहा था किसी चीज़ का, तो बस बातें बातें करी। और अभी चीकू जो है बाहर ही, अब उसको लाती हूँ मैं, नाइट ड्रेस पहनानी है, ऊपर तो पहना हुआ है, नीचे पजामा पहनाना है उसको, तो बस उसको भी सुलाती हूँ, दूध गर्म कर दो उसके लिए। ये देखो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा ना कि इन दोनों को ऑर्डर मारने का टाइम है, तो इन दोनों को ऐसे ही ऑर्डर मारती हूँ, दूध गर्म कर दो, मेरे पानी भर दो, मेरे ये कर दो, मेरे वो कर दो, तो ये मीनिंग था अगर आपको लास्ट ब्लॉग का मतलब समझ में नहीं आया हो तो। ऐसा था, आ गया मेरे चीकू भी आ गया, आ जा झूलू ना, ओ जो मेरा लड्डू चपको हाई कर, नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, अब यहीं यहीं पे चोना है, हाई करो बेटा बेटा। अच्छा सुनो, वन तो गर्म कैसे हो रहा है, इतना इतना गर्म कैसे हो रहा, जाओ पापा पर चले जाओ, उतो पापा पर जाना है, उतो उतो उतो, भाग गया मस्ती घोर। बुक लेके, बुक्स लेके, आजकल बुक्स तो इसके हाथ में ही होती है मैक्सिमम। तो चलिए जी, हम ये ब्लॉग ना आज का यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको मिली होगी ब्लॉग से, इफ यस देन बेटू जे 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 का है वो, जे जे माता जी की चुन्नी है, तो ये देखो। तो चलिए जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, जय श्री राम। जे जे कौन करेगा।